बहनों और भाइयों, आज एक तरफ भाजपा की नीति है, भाजपा का नेतृत्व है और भाजपा की नेक नीयत भी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसके पास न तो नेता है, ना ही नीति है और ना ही विचारधारा है। आज कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई है, किसी भी हद तक जा सकती है, किसी के साथ भी हाथ मिला सकती है। ये विचित्र स्थिति आज पूरा देश देख रहा है। पश्चिम बंगाल में जिन वामपंथियों के साथ वो लाल सलाम कर रहे हैं, उन्हीं के साथ केरल में नूरा कुश्ती चल रही है। एक राज्य में जिसको गाली देते हैं, दूसरे राज्य में उसको गले लगाते हैं। कांग्रेस का ये कंफ्यूजन हर तरफ है। आप सोचिए, जिस पार्टी की सोच ही स्थिर नहीं हो, वो क्या असम में स्थिर सरकार दे पाएगी? क्या दे पाएंगे? क्या दे सकते हैं? क्या आसाम का भला कर सकते हैं? क्या आपका भविष्य बना सकते हैं? क्या यहां असम में देखिए, कांग्रेस किसके भरोसे मैदान में है भाई? जिन लोगों की राजनीति से यहां के कांग्रेस कार्यकर्ता दशकों से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, आज कांग्रेस का हाथ उसी ताला चाबी को लेकर घूम रहा है। साथियों, वोट के लिए किसी को भी धोखा देना ये इनके जहन में है, इनके स्वभाव में है। यहां असम में भी धोखे और भ्रम का एक वीडियो मुझे भी देखने का मौका मिला है, आपने भी जरूर देखा होगा। इस वीडियो में यहां के कांग्रेस के नेता आपस में मंच पर ही झूठ का घोषणा पत्र बना रहे, बताओ। और घोषणा पत्र बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लोगों के विचारों को जानना पड़ता है, विचार विमर्श करता है, खजाने की स्थिति क्या है वो समझनी पड़ती है। लेकिन कांग्रेस का घोषणा पत्र तो सिर्फ घोषणाओं के लिए होता है, इसलिए वो दो तीन लोग मंच पर ही घोषणा पत्र बना लेते हैं। इस वीडियो में वो अपनी कलई, अपना जुड़ खुद ही खोल देते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ घोषणा कर दो, घोषणाएं पूरा करने के लिए नहीं होती है। ये कांग्रेस के नेता खुद कबूल कर रहे हैं, वीडियो मौजूद है। यही काम इन्होंने देश भर में किया है। ये लोग जानते ही नहीं कि देश की जनता कितनी समझदार है। अब आज देश की जनता की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते हैं। ये लोग जमीनी सच्चाइयों से पूरी तरह कट चुके हैं।